नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। 14 दिन की फर्लो मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पूरे प्रदेश में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इस कड़ी के बीच आज ओपी चौटाला फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उन्हें संबोधित किया। उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कहा कि मेरी गैर हाजिरी में संगठन मजबूत हुआ है। 1947 से 1970 तक कांग्रेस के कुशासन का अंत जनता दल ने किया था और अब भी इस कुशासन का अंत इनेलो कार्यकर्ता कर सकते हैं। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएं। वहीं इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, धान का घोटाला सामने आया है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर उन्होंने कहा कि विज अपने आदत भूलने वाले नहीं है। पहले की सरकारों में अनिल विज अकेले ही वॉकआउट कर देते थे। दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इनेलो में दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करना मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं थी। इनेलो के प्रतिनिधियों को तय करना था, मगर एक बात तय थी कि यदि फूट ना होती तो इनेलो की सरकार तय थी। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला द्वारा बिजली बिल न भरने वाले लोगों को नौकरी के लिए पेपर न दिलवाने के निर्णय पर उन्होंने कहा कि यह प्रजातांत्रिक निर्णय बिल्कुल नहीं है। CAA को लेकर हुए बवाल के सवाल पर इनेलो सुप्रीमो अपना स्टैंड क्लियर से रख नहीं सके क्योंकि समय से पहले सत्ता परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने कहा कि 3206 पढ़े लिखों को नौकरी दी तो नौकरी वाले तो प्रमोशन पा रहे हैं, लेकिन मुझे जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरी सजा पूरी होने के बाद भी मुझे छोड़ा नहीं जा रहा क्योंकि सत्ताधारियों में मेरा डर बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका फैसला कोर्ट ही करेगी। अब उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर कहा कि यदि सरकार इनेलो की बनती तो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बन सकते थे, लेकिन अब वे उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। सरकार यही प्रश्न पलट के आपसे पूछूंगा, क्या आप सरकार मान रहे हो? सरकार के कार्यकलाप जो होने चाहिए क्या ये सरकार का है? जब सरकार अनिल विज जो होम मिनिस्टर है भारतीय जनता लेजिस्लेचर पार्टी का नेता, इसको अगर स्पीकर निकाल देता या किसी पॉइंट पे ये वॉकआउट करता जो अकेला ही रहता था बीजेपी को कोई MLA के साथ रिकॉर्ड की बात हम जाया करते हैं। इसी आदमी ये अपनी आदत तो बदलेगा, यही विवाद का कारण बनेगा। सर, आपने जिस तरह से कहा कि मुझे सरकार रिहा नहीं कर रही, उम्र का लिहाजा भी देख लिया, सजा भी, तो क्या कारण है, किस लिए रिहा नहीं किया जा रहा आपको? आपको कोई अंदर की बात पता हो कि सरकार इसलिए आपको छोड़ने जा रही है? आप बाहर आए राजनीति में, क्या पता उल्ट फेर हो जाए। मेरे अधिकार की बात प्रतिनिधि एक बात तय थी, जवान पे एक बात खुद थी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार होने वाली, आवाज़ खलक नकारा एक होता की जो आवाज़ होती है देखो नंबर है ना। जब हमारी सरकार बनती जेल में हम तो चुनावी संगठन में रुचि रखते हैं, हमारी पार्टी के लोग चाहते तो नंबर क्या इनडायरेक्टली एक न्योता समझा जाए कि
पोतों को दादा की तरफ से बुलावा है कि आप दोबारा मिल जाते हैं घर? उम्र के हिसाब से तो देखो तो मैं अपने सब पोतों को और बेटों को निमंत्रण दे रहा हूँ, आपको भी मैंने निमंत्रण दिया है, आप भी हमारी पार्टी। चौधरी रंजीत सिंह चौटाला का एक बयान आया है कि जो बिजली का बिल भरेगा उसी को पेपर में जगह दी जाएगी, अन्यथा जो बिजली का बिल नहीं भरेगा उसको पेपर में बैठने दिया जाएगा। आप जो सरकारी जो पेपर होते हैं बच्चों के, जो बिल नहीं भर सकता, बिजली का बिल नहीं भर सकता, डिफॉल्टर होंगे जो उनको नौकरियों के लिए एलिजिबल नहीं माना, इस तरह का बयान किस तरह देखते हैं उनका? प्रजातांत्रिक निर्णय था ये, कोई प्रजातांत्रिक निर्णय नहीं है कि वो ये नहीं करेगा तो वो नहीं सिस्टम। एक ना भ्रष्टाचार पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है जी, फतेहाबाद के अंदर पिछले दिनों मामला आया कि 10,000 की नौकरी रखने के नाम पर 1-1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं ठेके के कर्मचारियों को, किस तरह से देखते हैं भ्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं मुख्यमंत्री जी? तो किस वो सारी बात को छोड़ के जो धान का घोटाला चल रहा है उसी को बारीकी से देखते, धान का घोटाला भी काफी चर्चा में, और कोई ऐसी बात तो बताओ कि जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। तो जिस मंत्री के पास फूड एंड सप्लाई है आप उसके इस्तीफे की मांग करते हैं? हम तो सरकार के पतन से, सरकार की वजह से नागरिकता संशोधन बिल को लेकर, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आप क्या समझते हो कि मैं कोई देश से अलग सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ? विरोध में है उसके आप? मैं हर युवा जो है वो बहुत परेशान है, और इवन बीजेपी के जो युवा है वो भी इनका वो साथियों।